नाउ थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशियंट ऑफ टर्म्स अदर देन कॉन्स्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसमें हमें जो कोफिशियंट है, न्यूमेरिक वैल्यू का जो कोफिशियंट है वो बताना है। तो फर्स्ट है 5 -3t² तो यहाँ पे जो न्यूमेरिक कोफिशियंट टर्म जो है ये तो कॉन्स्टेंट है, और 3t² जो इसमें हमारे पास एक वेरिएबल है तो इसका जो कोफिशियंट है वो है 3 विथ साइन -3। सो द कोफिशियंट ऑफ टी स्क्वायर इज -3। तो इस तरीके से हमें इन्हें करना है। अब सेकेंड क्वेश्चन, 1 + t + t² + t³। तो 1 तो कॉन्स्टेंट टर्म है, टी का कोफिशियंट 1, टी स्क्वायर का कोफिशियंट 1 एंड टी क्यूब का कोफिशियंट 1। तो इस तरीके से हमें इनके कोफिशियंट लिखना है। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, x + 2xy + 3y। हमें सिर्फ न्यूमेरिक कोफिशियंट लिखना है, अदरवाइज अगर हमें इस टर्म में पूछा जाए कि जो वाई है उसका कोफिशियंट क्या होगा तो हमारा आंसर होगा 2x। बट हमें सिर्फ न्यूमेरिक कोफिशियंट बताना है, सिर्फ नंबर वाला कोफिशियंट बताना है, बाकी के जो टर्म्स हैं वेरिएबल उनको नहीं बताना। तो यहाँ पर जो एक्स है उसका कोफिशियंट है 1, जो एक्स वाई है उसका कोफिशियंट है 2, जो वाई है उसका कोफिशियंट है 3। तो इस तरीके से हमें करना है। अब फिफ्थ है, फिफ्थ में -p² q² + 7pq। तो p² q² का कोफिशियंट है -1 और pq का कोफिशियंट है 7, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू, और जहां पे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी इट मीन्स 1। और ये है r², तो r² का कोफिशियंट है 3.14, ये न्यूमेरिक वैल्यू है तो इसका कोफिशियंट होगा 3.14। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है और उनको लिखना इस तरीके से है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स एंड गिव द कोफिशियंट ऑफ एक्स। सबसे पहले तो हमें टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है कि किसमें जो है एक्स आ रहा है, और फिर उस एक्स का कोफिशियंट बताना है। तो देखिए इसको आइडेंटिफाई, जो फोर्थ वाला है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट y² x + y, तो इसमें जो टर्म है एक्स वाला कंटेन कर रहा है वो है दिस टर्म, फर्स्ट टर्म, एंड द कोफिशियंट ऑफ एक्स। हमें एक्स का कोफिशियंट पूछा है, न्यूमेरिक कोफिशियंट नहीं पूछा है। तो यहाँ पे एक्स के आगे जो भी नंबर होगा, जो भी वेरिएबल नंबर विथ साइन, तो वो हमारा कोफिशियंट होगा। सो कोफिशियंट ऑफ एक्स इन y² x इज y². तो इस तरीके से हमें इसको फाइंड आउट करना है। इन सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट 13y² - 8yx। अब यहाँ पे ये देखिए इसमें तो x आ नहीं रहा है, तो ये तो उसको तो हम छोड़ देते हैं, बाकी ये वाला जो हमारा टर्म है इसमें हमारा x आ रहा है, x कंटेन कर रहा है। सो द कोफिशियंट ऑफ एक्स इन -8yx इज -8y। उस एक्स को छोड़ के बाकी जो बचा वो कोफिशियंट में आ जाएगा, तो -8y। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को करना है। एंड फोर्थ क्वेश्चन बी पार्ट, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y² एंड गिव द कोफिशियंट ऑफ y² हमें इनमें से सेलेक्ट करना है कि कौन से टर्म्स में y² आता है और उस y² का कोफिशियंट भी बताना है। तो इसमें जो y² है वो ये है, इसमें जो y² है ये है y² वाला टर्म, और इसका जो कोफिशियंट है वो है -x। ऐसे ये है सेकेंड टर्म, इसमें जो y² का टर्म है वो है 5y², और y² का कोफिशियंट है 5, और इसमें y² वाले दो टर्म है, एक टर्म है ये और ये, दोनों में y² आ रहा है, इसमें सिर्फ y आ रहा है, तो y² का जो कोफिशियंट है वो है -15x, और इसमें y² का कोफिशियंट है 7। तो इस तरीके से हमें इनको लिखना है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, क्लासीफाई इंटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो हमें इनको आइडेंटिफाई करना है, क्लासीफाई करना है कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है और ट्राइनोमियल है। और इन सारे टर्म्स को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मोनोमियल होते हैं जिनमें सिर्फ एक टर्म आता है, बाइनोमियल में दो टर्म आते हैं और ट्राइनोमियल में तीन टर्म आते हैं। तो इस तरीके से अब देखिए, इसमें 1 एंड 2, यहाँ पर 2 टर्म्स है तो इट मीन्स बाइनोमियल। सेकेंड वन, ओनली 1 टर्म, मोनोमियल। थर्ड, 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल। फोर्थ, 1 टर्म, मोनोमियल। फिफ्थ, 1, 2, 3, 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल।
सिक्स टू टर्म्स बाइनोमियल। तो इस तरीके से हमें उन्हें क्लास। नाउ सिक्स क्वेश्चन, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स ऑफ इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। अब हमें लाइक और अनलाइक टर्म्स को सेलेक्ट करना है, उनका पेयर बनाना है। तो बताना भी कि कौन से लाइक टर्म है कौन से अनलाइक टर्म है। देखिए दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज है तो ये लाइक टर्म वो होते हैं जिनके जो वेरिएबल्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो हम उनको लाइक टर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज है तो ये हमारा लाइक टर्म। सेकेंड, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो ये दोनों इनकी वेरिएबल सेम है तो ये हमारे लाइक टर्म्स है। और इसमें इसमें जो कोफिशेंट है वो तो सेम है, बट वेरिएबल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल जिससे हम लाइक और अनलाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो वो अलग अलग है। तो इट मीन्स ये अनलाइक टर्म्स है। नाउ फोर्थ, एक्स वाई एंड वाई एक्स सेम है, एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो एक ही मतलब है, तो ये दोनों जो है लाइक टर्म्स है। एम स्क्वायर पी एंड एम पी स्क्वायर दोनों अलग अलग हैं, इनके वेरिएबल्स डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये है अनलाइक टर्म्स। नाउ सेवेंथ, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। अब इसमें से हमें लाइक टर्म्स को सेलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो लाइक टर्म्स हमारे एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर वाला है कोई और, ये है एक्स वाई स्क्वायर, तो इनके पेयर हमें एक बन जाएंगे एक्स वाई स्क्वायर वालों के, एक्स वाई स्क्वायर बस दो ही है। तो फर्स्ट वाला हमारा जो पेयर आएगा वो आएगा एक्स वाई स्क्वायर। सो फर्स्ट पेयर एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड कॉमा टू एक्स वाई स्क्वायर, तो ये है फर्स्ट पेयर। सेवन्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पेयर एंड सेकेंड पेयर, सेकेंड पेयर में हम लिखने वाले हैं फोर वाई एक्स स्क्वायर। अब हमें वाई एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को ढूंढना है, वाई एक्स स्क्वायर, तो ऐसा तो कोई टर्म है नहीं, तो ये सब सिंगल ही है तो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ एक ही टर्म है इसमें। फिर हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो एक्स स्क्वायर में हमारे पास है ये क्या, एट एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, तो ये एक पेयर बन गया। तो इसमें हमारा लाइक टर्म्स का एक पेयर ये है। तो इसी तरीके से हमें सारे पेयर्स को सेलेक्ट करना है और फिर उनको लिखना है। जैसे अगर सेवन वाला वाई वाला देखें तो वाई वाला सेवन वाई और एक सिर्फ सिंपल वाई, तो ये है, इस तरीके से हमें इसको सिलेक्ट करना है। और नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम एक्स वाला लें तो है माइनस हंड्रेड एक्स थ्री एक्स, तो दो पेयर इसके, एक पेयर ये बन गया। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट पेयर बनाने हैं लाइक टर्म्स के। इसमें से लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनके वेरिएबल सेम हो। देखिए ये एक्स है वाई स्क्वायर, ये एक्स और वाई स्क्वायर के साथ ही मैंने बताया बनाया। न्यूमेरिक वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, साइन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट ये जो वेरिएबल है ये बिल्कुल सेम होने चाहिए। एक्स वाई स्क्वायर और वाई एक्स स्क्वायर दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे एक एक्स है दो वाई है, यहाँ पे एक वाई है दो एक्स है, तो इसलिए इनका डिफरेंट डिफरेंट मैंने पेयर बनाया है। और यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर वाले हैं, यहाँ सिर्फ वाई वाले हैं, इस पेयर में सिर्फ एक्स वाले हैं। तो इस तरीके से हमें पेयर को बनाने पड़ते हैं, पेयर अलग अलग करने होते हैं। तो सेवन्थ क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन बी पार्ट आर योर होमवर्क एंड रेस्ट पार्ट्स आर योर होमवर्क। थैंक यू।